हेलो बच्चों, आज से हम अपना स्कूल स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन हो गए है ना आपके स्कूल को छूटे हुए, बहुत दिन से आप स्कूल नहीं आए हैं। बट आपका ये स्कूल नया वाला स्कूल है। अब हम कैसे पढ़ेंगे, थोड़े दिन तक हम नए वाले स्कूल में पढ़ेंगे और ये है हमारा नया वाला स्कूल। कैसा है नया वाला स्कूल, हम किससे पढ़ रहे हैं, हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा कैसा स्कूल है, नया वाला स्कूल है। अभी आपको केयरफुली विथ योर पेरेंट्स हेल्प, अपने मम्मी पापा की हेल्प से पढ़ाई करनी है और हम आपको बताते जाएंगे और आप पढ़ते जाइएगा। तो आप बड़े हो गए हो, तो बड़े लोग जब हो जाते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो खुद सेल्फ से पढ़ लेते हैं ना। तो थोड़ा सा अपना सेल्फ से पढ़ना है और थोड़ी सी मम्मी पापा की हेल्प लेनी है और थोड़ी सी हेल्प हमारी लेनी है। हम सब मिलके पढ़ेंगे, कैसे, आप, हम, मम्मी पापा, अपन सब मिलके पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। ये है आपका नया वाला स्कूल। क्या है ये आपका नया वाला स्कूल। अब हम पढ़ के बहुत अच्छे से इंटेलिजेंट बन जाएंगे। अभी हमें स्कूल नहीं जाना है, जल्दी नहीं उठना है, नहीं उठना है ना, घर में आराम से उठ के और आराम से लेकिन पढ़ाई भी करना है। और पढ़ाई कैसे करना है, बहुत अच्छे से करनी है। तो हम सब इस वाले स्कूल से पढ़ाई आज से स्टार्ट करते हैं, नए वाले स्कूल में नई वाली पढ़ाई। और आप क्या हो गए हो, आप बड़े हो गए हो ना, तो आपने देखा होगा आपकी जो इस बार बुक आई है वो बहुत सारी बुक आई है ना, बहुत सारी बुक और बहुत सारी कॉपी भी आई है। तो अब हम बड़े होके बड़े जैसे पढ़ाई करेंगे। तो आपके सब्जेक्ट रहेंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, राइम्स और पिक्चर बुक रहेगी ना। कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, राइम्स और पिक्चर सफारी, ये आपकी बुक रहेंगी। इनसे हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आप देखिएगा क्या है आपका इंग्लिश, आपको मोबाइल में मम्मी और पापा के देखिएगा पीडीएफ मिलेगी। मम्मी पापा से पूछ के आप पूछेंगे कि हमें मैम ने आज क्या होमवर्क दिया है, हमें क्या पढ़ना है और घर में हम वो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे आज से। तो आज से ही सबको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। नाउ स्टार्ट करते हैं। आपके इंग्लिश में सबसे पहले दिया हुआ है रिपीट ए फॉर एप्पल, टू ए फॉर फिश स्पेलिंग। अब बड़े हो गए हैं हम, तो हम स्पेलिंग से स्टार्ट करेंगे। एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है आपको लर्न होगी, पर रिपीट करेंगे एक बार हमारे साथ। ए डबल पी एल ई एप्पल, कैसे लर्न करेंगे आप, ए डबल पी एल ई एप्पल ऐसे बोलना है और लर्न करना है। बी ए डबल एल बॉल, सी ए टी कैट, डी ओ जी डॉग, ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट, एफ आई एस एच फिश। ये क्या हो गई आपकी स्पेलिंग, क्या हो गई आपकी स्पेलिंग, अब आपको इसको लर्न करनी है। ए डबल पी एल ई एप्पल, बी ए डबल एल बॉल, सी ए टी कैट, डी ओ जी डॉग, ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट, ये बड़ी वाली स्पेलिंग है। तो हम इसको ब्रेक कर करके लर्न कर सकते हैं और इसको रीड भी कर सकते हैं, एफ आई एस एच फिश। तो अभी आपको एप्पल टू फिश ये सारी स्पेलिंग लर्न कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इनको फिर से रिपीट करेंगे और आगे वाली स्पेलिंग सीखेंगे। नेक्स्ट आपका होमवर्क है, जो आपका ओरल वर्क है वो है अल्फाबेट सॉन्ग। ये सॉन्ग तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, बट हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं और आप भी रिपीट कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। रिपीट। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड।
लाइक दिस। इस टाइप से आपको ये स्पेलिंग और ये अल्फाबेट सॉन्ग लर्न करना है और आप हमें लर्न करके रखेंगे और हमें सुनाएंगे भी। नेक्स्ट आपका होमवर्क है ए टू जेड कैपिटल लेटर और ए टू जेड स्मॉल लेटर। जो आपकी कॉपी रहती है इंग्लिश की कॉपी में, किसकी कॉपी में, अब आपको सब्जेक्ट वाली कॉपी बनानी है और जो आपकी इंग्लिश की कॉपी रहेगी कवर करके अपना नेम नोट करके, और जो आपकी इंग्लिश वाली कॉपी रहेगी उसमें वन पेज कैपिटल लेटर एंड वन पेज आपको स्मॉल लेटर राइट करने हैं। ये तो आपसे बन जाते हैं, आप हमें राइट करके दिखाएंगे कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कैसे राइट करते हैं। अब आप देखिएगा, एक बार हम आपको याद दिला देते हैं कि कैपिटल स्मॉल लेटर आपको कैसे राइट करना है। बोर्ड से देखेंगे हम, आइए बोर्ड पे देखते हैं। बोर्ड में आप देखेंगे कि कैपिटल लेटर थ्री लाइंस में, आपकी इंग्लिश में फोर लाइंस होती हैं, और जो कैपिटल लेटर्स हैं वो कितनी लाइन में राइट करते हैं, वैल्यू थ्री लाइन में। तो वन टू थ्री, इसमें हम अपने सारे कैपिटल लेटर्स राइट करेंगे लाइक दिस, ए बी सी डी ई। इस टाइप से आपको लाइक दिस इस पैटर्न से आपको कैपिटल लेटर राइट करने हैं और आपको बीच का जो स्पेस है वो भी ध्यान रखना है। हम इनको मिला के नहीं राइट करेंगे, हम इनको कैसे, इनका स्पेस देखो आप, दिख रहा है आपको, ऐसे आपको इसको राइट करना है, स्पेस देना है। और आप वन फिंगर का गैप भी दे सकते हैं, ऐसे आप फिंगर रखना, ए राइट किया आपने, फिंगर रखेंगे बी राइट कर देंगे, फिंगर रखेंगे सी, फिंगर रखेंगे डी, फिंगर रखेंगे ई। तो आपकी राइटिंग कैसे आएगी, सुंदर अच्छी वाली, ठीक है। अब हम राइट करते हैं स्मॉल लेटर, क्या राइट करते हैं, स्मॉल लेटर। अब जो स्मॉल लेटर रहते हैं वो फोर लाइन, वो थ्री लाइन, टू लाइन, थ्री लाइन और नीचे वाली लाइन से भी आ जाते हैं, आते वो थ्री लाइन और टू लाइन में भी है बट ऊपर और नीचे हो जाते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, आप जो लास्ट अपनी क्लासेस में सीखे हैं उससे देखने का, और एक बार हम आपको यहाँ बताते हैं स्मॉल लेटर कैसे राइट करेंगे। ए, अब जब ए रहता है तो वो बीच वाली टू लाइन में आता है, पर बी देखिएगा, बी कैसे आया, ऊपर वाली लाइन से थ्री लाइन में आया, आया ना। तो जब हम स्मॉल लेटर बनाएंगे तो उसमें हमें जो लाइन रहेंगी उनका ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर वाली लाइन में लिखना है, नीचे वाली लाइन में लिखना है, बीच वाली लाइन में लिखना है। ए बी सी, अब आप देखिएगा सी भी टू लाइन में आया, एंड डी, डी भी कैसे आया, थ्री लाइन में, और ई कैसे आया, टू लाइन में। इस टाइप से आपको कैपिटल लेटर तो थ्री लाइन में आते हैं बट जो स्मॉल लेटर्स रहते हैं उनमें हमें लाइन चेंज करनी पड़ती है। लास्ट क्लास में आप जो सीखे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के और अपना वर्क करेंगे, वन पेज कैपिटल लेटर एंड वन पेज स्मॉल लेटर राइट करेंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा, हिंदी में आपके दिया हुआ है, हिंदी का जो वर्क है वो है स्वर और व्यंजन। आपको अनार का, आम का, ई इमली का, ई ईख का, उ उल्लू का, इस टाइप से आपको पढ़ के देखना है। और आपको स्वर वाला गीत तो याद होगा, अनार का मीठा दाना, वो भी आप पढ़ के देखेंगे, हम एक बार उसको पढ़ के सुना दे रहे हैं और आप उसको रिपीट करिएगा। नाउ स्टार्ट, आ अनार का मीठा दाना, आ आम को चक्के खाना, ई इमली की चटक खटाई, ई ईख से बनी मिठाई, उ उल्लू को मार भगाओ, ऊन से स्वेटर बनाओ, ऋषि की लंबी दाढ़ी, एड़ी पे वजन संभालो, एन आंखों में डर, ओ उगली से कूटो धान, औरत भारत की शान, अमंगूर का मीठा गुच्छा, आहा सबको लगता अच्छा। ये तो आपको लर्न होगा बट अब हम बड़े हो गए हैं तो इसको हम गा के बताएंगे सबको, और आ अनार से क्या ज्ञानिता पूरा सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे उसको, आ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई ईख का, उ उल्लू का, उ ऊन का, रिर ऋषि का, ए एड़ी का, ऐ ऐनक का, ओ उगली का, औ औरत का, अम अंगूर का, आहा दो